हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग करना बताने वाली हूँ और ये दो कलियों वाली सलवार होगी। इस तरीके से आप किसी भी नाप की सलवार की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है अपनी सलवार की कटिंग करने के लिए। और अगर आपकी जो सलवार की लंबाई है वो 36 इंच से कम है तो आप इसको 2 मीटर कपड़े में भी आसानी से बना सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर ये मेरा कॉटन का कपड़ा है। आप किसी भी कपड़े से सलवार बना सकते हैं। सबसे पहले हम खोल लेंगे कपड़े को और इसको उल्टा करके बिछाएंगे। हमने जमीन पर बिछा लिया है क्योंकि ऊपर उतने अच्छे से स्पेस नहीं है और नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर जमीन पर इस कपड़े को रख लिया है। और अभी हमने इसको केवल बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया है। ये हमारे कपड़े का ओपन वाला यानी कि खुला वाला साइड है और ये वाला साइड हमारा बंद वाला साइड है, ये क्लोज वाला साइड है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अपने पट के लिए या फिर आप कुंदा पट जो भी कहते हैं उसके लिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। और हमेशा जो आपका कुंदे वाला पार्ट है वो आपको हमेशा खड़े कपड़े में निकालना है, कभी भी आड़े कपड़े में नहीं निकालना। ये देखिए, ये आपकी कन्नी वाली साइड है तो ये आपका खड़ा वाला साइड है और ये वाला आपका आड़ा वाला साइड है, इसलिए हम इसको हमेशा स्ट्रेट कपड़े में निकालेंगे। इस पट की चौड़ाई आपको अपने सलवार की मोहरी के अकॉर्डिंग रखना होगा। देखिए, यहाँ पर मोहरी हमारी 7 इंच है तो इसको हम 2 इंच कम करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है 5.5 इंच, जो कि हमारा तैयार आ जाएगा 5 इंच। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी कि आपकी जो मोहरी बनेगी, अगर आप 6 इंच की रख रहे हैं तो आप इसे 5 इंच का रखिए, मोहरी आपकी 1 इंच की आएगी। यहाँ पर हमारी मोहरी आएगी पूरी 7 इंच की, तो जो हमारी कलियों वाला आएगा वो हमारा 2 इंच आएगा और ये पट हमारा तैयार आ जाएगा 5 इंच का। ये पट का निशान लगाने के बाद अब देखिए हम अपनी लंबाई के निशान लगाएंगे। तो सलवार की जो लंबाई हमें तैयार चाहिए वो यहाँ पर हमें चाहिए करीब 37 इंच और इसमें से हमें 5 इंच अपनी बेल्ट के लिए ऊपर से निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, हम 5 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए निकाल देंगे, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से सिलाई के मार्जिन के लिए, जो कि हमारे बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा 37 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है, मोहरी या फिर आप बॉटम जो भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, मोहरी के लिए तैयार हमारी मोहरी आएगी 7 इंच। तो पहले आप 7 इंच पर निशान लगाइए, उसके बाद में 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से हमारी सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा करीब 8.5 इंच। मोहरी के और लंबाई के निशान देखिए हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमें उस साइड की तरफ अपने आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन देखिए आपको कैसे निकालना होगा। आसन हमेशा आपकी हिप के अकॉर्डिंग निकलेगा। यहाँ पर जो हिप है हमारी वो है यहाँ पर 36 इंच, उसका आप 1/4 कर लीजिए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा करीब 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर आसन के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हम यहाँ पर टोटल 10 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, हमने आसन के भी निशान लगा लिए हैं। अब ये जो हमने मुहरी वाला निशान लगाया है और आसन वाला जो निशान लगाया है उसको देखिए इस तरीके से इंची टेप को आप तिरछा करके रखिए और अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी एक पट की यहाँ पर पैनल की 2 कलियों की और ये हमारे पट की निशान लग जाएंगे। ये दोनों निशानों को हमने मिला लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारी पट हो जाएगी। पट को आपको इस तरीके से कटिंग करना है, यहां से हम इसको कटिंग करेंगे पूरा। तो ये हमारे पट निकल जाएंगे, कुंदे जो भी होते हैं, और यहां से हमारी 2 कलियां आ जाएंगी। उसके बाद में मैं आपको बाकी की 2 कलियों की कटिंग करना बताऊंगी, पहले आप ये कट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखा दिए हैं कि आपके दूसरे पैर की जो कलियाँ कट होंगी वो कहाँ से निकलेंगी, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमें दूसरे पैर की पट्टियाँ कहाँ से निकालनी है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको कट कैसे करना है, बट यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है कि कहाँ से कहाँ तक आपके कितना कपड़ा बच जाएगा और कहाँ से कहाँ तक आपकी ये दोनों कलियाँ कट हो जाएंगी। और बाकी का जो ऊपर का बचा हुआ कपड़ा है उससे हमारी बेल्ट निकल जाएगी और साइड से जो कपड़ा बच रहा है उससे हम अपनी जो मोहरी वगैरह बनाएंगे वो निकाल लेंगे।
हमारी कटिंग हो गई है, ये हमारे इस तरीके से दो पार्ट्स में होंगे और ये हमारा कुंदे वाला पार्ट हो जाएगा, तो इसको आप फोल्ड करके अलग कर लीजिए। अब मैं ये हमारी डबल में कट हो गई है कली, जो कि इसके दोनों साइड्स पर लगेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अब दो और कलियां कट करनी है अपने दूसरे वाले पैर के लिए। तो इस कपड़े को पहले आप हटा लीजिए और ये जो आपने सलवार कटिंग किया है इसको आप इस तरीके से घुमा लीजिए अपनी साइड की तरफ। ये आपको कुछ ऐसे रख लेना है। अब ये जो आपने कली कट करी थी आप ये ले लीजिए और इसके ऊपर आपको इसे केवल इस तरीके से प्लेस करना है। ये देखिए, ये वाला जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है इसके ऊपर आपको बिल्कुल ये वाले पार्ट को बिल्कुल पहले आप तो मिला दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये वाले पार्ट्स को बिल्कुल हमने मिला के रख लिया है और इधर से ये बिल्कुल आपका बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ऐसे ही आपको भी रख लेना है। उसके बाद में ये कपड़ा भी हमारा डबल में है और ये हमने पहले से कटिंग की हुई है, तो यहाँ पर आपके पास चार कलियां आ जाएंगी जो कि आपके दोनों साइड्स पर लगेंगी। अब इसकी हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे और इस साइड भी देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। नीचे वाले पार्ट की भी देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये बच गया है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। इसमें से हमें कटिंग करनी है अपनी बेल्ट की और ये देखिए, ये हमारे पास चार कलियां आ गई हैं इस तरीके से आपके पास भी आ जाएंगी। और ये हो गया हमारा पट जो कि इस साइड की तरफ इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब हम कटिंग करते हैं इसकी बेल्ट। देखिए, ये कपड़ा हमारा फोल्ड में है और इसी से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे, तो आपको भी कपड़ा अपना फोल्ड करके बिछा लेना है और इस तरीके से सबसे पहले इसकी चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो तैयार जो चौड़ाई चाहिए हमें वो यहाँ पर 24 इंच रहेगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें नेफा वगैरह फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमें कमरबंद के लिए फोल्ड करना होता है, इसको हम डबल करके फोल्ड करते हैं, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक निशान लगाएंगे और आधा इंच और निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ से भी हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो इस निशान को पहले तो आप बिल्कुल सीधा कर लीजिए। इसके बाद में आपको लगानी है अपने बेल्ट की लंबाई के निशान। बहुत ज्यादा लंबी जो बेल्ट होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और आपकी सूट के साइड में से नजर आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है, देखिए 5 इंच या फिर 6 इंच। 6 इंच की लंबाई से ज्यादा आपको लंबाई नहीं रखनी है, 7 इंच या फिर 8 इंच, काफी लोग 9 इंच की भी बेल्ट लगाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप इतनी लंबी बेल्ट लगाएं, हमेशा 6 इंच तक ही आपको बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच की लंबाई की बेल्ट लगा रही हूँ क्योंकि हमने वहां पर भी कम किया था अपनी लंबाई में से 5 इंच कम किए थे, इसलिए मैं 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। तो इसको पूरे को बिल्कुल सीधा निशान लगाते हुए इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे और ऊपर आपका करीब 1 इंच या फिर 1.5 इंच का कपड़ा होना चाहिए यहाँ पर से नेफा मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास करीब 1.25 इंच का कपड़ा है, अगर आपका ज्यादा है तो आप ज्यादा यहाँ पर रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इतना ही कपड़ा रख रही हूँ, इसी में मुझे इसको फोल्ड करना होगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और नीचे से ये फोल्ड है कपड़ा, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया है, अब नीचे की तरफ एक और कट लगाएंगे। 1 इंच की दूरी पर आप कट लगाइए क्योंकि इतना पार्ट ये हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पर से आप कमरबंद वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये इतना पार्ट हमारा ओपन रहेगा, बाकी में हमारी सिलाई लगेगी। अलग से मैंने बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग की एक वीडियो सेपरेट डाली हुई है अपने चैनल पर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उस पर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको सिलना कैसे और कटिंग भी कैसे होगी। तो यहाँ पर कम्प्लीट हो गई हमारी फुल कटिंग और हमने अपने सारे पार्ट्स की यहाँ पर देखिए कटिंग कर ली है। ये है हमारी बेल्ट, ये है पैनल यानी कलियां, कुंदा और पट, और यहाँ पर बचा हुआ है हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा कि अगर आपको यहाँ पर मियानी लगानी है तो आप मियानी भी यहाँ पर इसमें से निकाल सकते हैं जो आपका बचा हुआ कपड़ा है, और अगर आपको मोहरी बनानी है तो आप मोहरी भी यहाँ पर अलग से कपड़े की बना सकते हैं। सो मैं प्रेफर करूंगी, बहुत लोग इसमें ही अपनी मोहरी का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप अलग से कपड़े पर लगाएं क्योंकि बात एक ही रहती है, उस पर आपको बुकरम लगाना होता है। तो यहाँ पर आपकी सलवार की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है और आपकी जो सलवार बन के तैयार होती है वो भी जल्दी बन जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी बहुत ही आसान किसी भी सलवार की कटिंग कर सकते हैं, चाहे आपका कपड़ा 2 मीटर हो, चाहे आपका कपड़ा 2.5 मीटर हो या फिर 3 मीटर हो, आप इस तरीके से अपने कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द पटियाला सलवार की भी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी,
तो अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पटियाला सलवार की कटिंग देखनी है या नहीं, और इसकी अगर आपको स्टिचिंग देखनी है तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो या मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और ये कटिंग आपको समझ आई होगी। कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।